नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, स्वागत है आज की फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों, आज हम आ चुके हैं वर्मा इंटरप्राइजेस लखीमपुर खीरी में भाइयों, जो कि LRP रोड पे भाइयों पड़ता है और AC ट्रैक्टर का भाइयों शोरूम है। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं ACE की तरफ से आने वाला ACE DI 450 ट्रैक्टर, जो कि एडवांस हाइड्रोलिक के साथ में आता है। तो भाई, सबसे पहले आप लोग ट्रैक्टर का ओवरऑल लुक वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी शानदार ग्राफिक्स ट्रैक्टर में दिए गए हैं, जो स्टिकर वगैरह काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं, जिससे लुक काफ़ी शानदार लगता है। बाकी सिंगल पीस बोनट के साथ में ट्रैक्टर भाइयों मिल रहा है, और सामने से अगर देखें तो काफ़ी बारीक इसमें फ्रंट ग्रिल दी गई है उसी के सामने, और उसी के साथ में भाइयों आप सामने देख सकते हैं ACE का क्रोम फिनिश के साथ में यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है, और हैलोजन हेडलाइट भाइयों आप लोगों को ट्रैक्टर में देखने को मिलते हैं, और बीच में NG की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और फ्रंट में कंपनी फिटेड बम्पर भी आप लोगों को ट्रैक्टर में देखने को मिल जाता है। भाइयों, इस साइड से देखें तो कुछ इस प्रकार से ट्रैक्टर का ओवरऑल लुक देखने में आता है, जहाँ पे मडगार्ड पे आप लोग देख सकते हैं BS3 की ब्रांडिंग है, रिवर्स PTO की ब्रांडिंग है, और साथ ही काफ़ी शानदार भाइयों ट्रैक्टर का लुक देखने में आ जाता है। किसान भाइयों, इसके बाद में हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन वगैरह की। तो यहाँ से खींच के इसका बोनट खोल सकते हैं नीचे से, ये यहाँ से नॉब से इसका बोनट खोल सकते हैं, और देख सकते हैं सिंगल पीस बोनट है, जो कि अपने आप भाइयों शॉक एब्जॉर्ब के द्वारा ऊपर की तरफ उठ जाता है। बाकी सामने से भाइयों देख सकते हैं 6 इंच का डुअल एलिमेंट का एयर क्लीनर भाइयों आप लोगों को इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाता है, जो कि ड्राई टाइप वाला है, और बड़ा रेडिएटर भाइयों इस ट्रैक्टर में दिया गया है। फ्रंट पीस देख सकते हैं काफ़ी हैवी दिया गया है। भाइयों, इस ट्रैक्टर में आप लोगों को 3 सिलेंडर का इंजन मिल जाता है, जो कि 2858 CC के साथ में है, और पूरा 45 HP की भाइयों पावर ट्रैक्टर देता है। बाकी एक चीज़ खास इसमें और भी देखने को मिली, जैसे कि किर्लोस्कर वाले ट्रैक्टर में भाइयों देखने को मिलता है कि इसमें जो हेड है अलग अलग दिया गया है, तीनों सिलेंडर के जो हेड हैं अलग अलग दिए गए हैं, जिसका फ़ायदा ये रहता है कभी कभी अगर ट्रैक्टर में कभी दिक्कत आती है इंजन में, तो हेड वगैरह आप सिंगल एक ही खोल के एक ही रिपेयर करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसकी जो टेक्नोलॉजी है। बाकी ACE का खुद का अपना बनाया हुआ इसका इंजन है, और यहाँ पर देख सकते हैं ब्रांडिंग भी ACE की यहाँ पर दी गई है, तो कंपनी भाइयों अच्छी है। और इसकी खासियत वगैरह क्या है कि भाइयों जो अपनी कैटेगरी में अन्य भी ट्रैक्टर आते हैं तो उनसे इसका माइलेज काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। बाकी ये देख सकते हैं इसमें वाटर सेपरेटर देखने को मिल जाता है, जहां आज की डेट में सभी ट्रैक्टर कंपनियां सिंगल डीजल फिल्टर देती हैं, वहीं इसमें आज अब भी आप लोगों को डबल डीजल फिल्टर देखने को मिल जाता है। बाकी माइक्रोबॉस की लाइन फिल पंप मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग जो है सिंगल एक्टिंग आप लोगों को देखने को मिल जाती है। बाकी गियरबॉक्स वगैरह की बात करें तो साइड शिफ्ट के साथ में भाइयों ट्रैक्टर है आप लोग देख सकते हैं, और वो भी रियल साइड शिफ्ट है, यहाँ से बीच से नहीं दिया गया है, साइड से भाइयों असली साइड शिफ्ट इसी को कहते हैं। तो लो हाई के साथ में ट्रैक्टर है, और इस साइड में भाइयों मेन गियर लीवर है, जहाँ पे आप लोगों को 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर की स्पीड ट्रैक्टर में देखने को मिलेगी। डुअल क्लच के साथ में है, आधा दबाने पर भाइयों आप लोग मेन गियर चेंज कर सकते हैं, और पूरा दबाने पर भाइयों PTO का गियर वगैरह लगा सकते हैं। बाकी ऑयल में डिस्क ब्रेक के साथ में ट्रैक्टर है, और भाइयों आप लोगों को दिखा दें इस ट्रैक्टर का डैशबोर्ड वगैरह, तो काफ़ी शानदार डैशबोर्ड दिया गया है, और स्टीयरिंग व्हील भी छोटा सा दिया गया है, उसी के साथ में ये गुल्ली दी गई है, जिसका फ़ायदा रहता है जुताई वगैरह पूरे ट्रैक्टर को चलाते हुए। तो भाइयों, इसके बाद में चलिए पीछे चलते हैं, और पीछे से आप लोगों को ट्रैक्टर का लुक वगैरह दिखाते हैं, और फीचर्स भी दिखाते हैं क्या क्या देखने को मिल जाते हैं इस ट्रैक्टर में। तो भाइयों, पीछे से अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से ट्रैक्टर का ओवरऑल लुक देखने में आता है, जहाँ इस साइड में ACE की ब्रांडिंग है, और दूसरे साइड में यहाँ पे ACE और उसी के साथ में पावर स्टीयरिंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। जो इंडिकेटर वगैरह हैं भाइयों सिंपल वाले दिए गए हैं, हैलोजन बैकलाइट दी गई है, और देख सकते हैं कंपनी फिटेड यहाँ पे डुअल DC भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जिसका प्रयोग आप लोग लेजर लेवलर MB प्लाऊ वगैरह पे कर सकते हैं, ट्रिपलर वाली ट्राली इससे उठा सकते हैं, कोई भी इसमें स्पेयर पार्ट लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी लिफ्ट सेंसिंग के लिए यहाँ पे 3 सेंसिंग पॉइंट दिए गए हैं, और 1800 kg तक की लिफ्टिंग कैपेसिटी भाइयों आप लोगों को ट्रैक्टर में देखने को मिलेगी। लिफ्ट पट्टी वगैरह देखें तो काफ़ी शानदार दी गई, जिसमें नीचे भी सपोर्ट इसमें दिया गया है। बाकी ट्राली का हुक वगैरह देखें तो एडजस्टेबल दिया गया है, और रियर एक्सल जो है स्ट्रेट वाले भाइयों आप लोगों को इस ट्रैक्टर में देखने को मिलते हैं, जो कि मजबूती के हिसाब से भी अच्छे रहते हैं, और इनमें लो मेंटेनेंस के लिए भी भाइयों ये एक्सल काफ़ी शानदार रहते हैं। बाकी पीछे देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है, बोतल होल्डर दिया गया है, सीट वगैरह एडजस्टेबल दी गई है, बैकरेस्ट पहले की अपेक्षा काफ़ी ऊँचा दिया गया है, जिससे मतलब ट्रैक्टर चलाने में कम्फर्टेबल आप लोगों को रहेगा। तो भाइयों, आप बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के रियर टायर साइज़ की, तो रियर टायर इस ट्रैक्टर में आप लोगों को मिल जाते हैं 14 और 28 के, और जो आगे वाले टायर हैं ट्रैक्टर में भाइयों आप लोगों को मिल जाते हैं 7, 50, 16 के। तो भाइयों ऐसा दबा के आप लोग इस ट्रैक्टर का बोनट बंद कर सकते हैं, और इसके अलावा अब आप लोगों को दिखाते हैं ट्रैक्टर की डिस्क्रिप्शन प्लेट।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ट्रैक्टर है भाइयों, मैक्सिमम 31 किलोवाट की इसकी पीटीओ पावर है और 265 इसकी एसएफसी है और 38 एचपी की भाइयों पीटीओ पावर आप लोगों को इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाती है। तो भाइयों ये थे फीचर्स जो कि आप लोगों को मिल जाते हैं एसीई 450 डीआई ट्रैक्टर में, जो कि 3 सिलेंडर 45 हर्स पावर का ट्रैक्टर है। बाकी अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की कीमत वगैरह की, तो अराउंड 6,80,000 रुपये के आसपास आप लोगों को ये फुल फीचर्स लोडेड ट्रैक्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि ताकत वगैरह लगाने के मामले में किसी भी ट्रैक्टर से कमज़ोर नहीं है अपनी कैटेगरी में। तो भाइयों आप लोगों को ये एसी की तरफ से आने वाला 450 डीआई ट्रैक्टर कैसा लगा जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और अगर कोई भी और भी जानकारी चाहिए ट्रैक्टर के बारे में तो भाइयों लखीमपुर में वर्मा इंटरप्राइजेज पर भाइयों आ सकते हैं, जो कि LRP रोड पर भाइयों पड़ता है। तो भाइयों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।